राजस्थान में पिछले 4 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग के आला अधिकारियों के साथ वाल्मीकि और श्रमिक संघ के कर्मचारियों की शुक्रवार रात बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी थी। इसके बाद आज सुबह से ही जयपुर की सड़कों पर सफाई कर्मचारी शहर की गंदगी को साफ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने 13,000 से ज्यादा पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने भर्ती में समाज को प्राथमिकता देने की मांग के बाद जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद सरकार ने जहां भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, वहीं भविष्य में होने वाली भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का वादा भी किया है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर ने बताया कि सफाई करने का काम सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग ही करते आए हैं, दूसरे समाज के लोग सफाई नहीं करते हैं। इसलिए वाल्मीकि समाज को भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर हमने कार्य बहिष्कार किया था, जिसके बाद सरकार ने हमारी मांग को मानते हुए भविष्य में होने वाली भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का वादा किया है, जिसके बाद आज से फिर से सफाई व्यवस्था सुचारू हो गई है। जल्द ही शहर की सड़कों को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा।